रात के समय यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं होता। आप ये समझ लो कि रात को असंध का सिविल हॉस्पिटल बंद रहता है। क्या दफ्तर है ये भी और मैं चाहता हूँ ये जनता जब यहाँ आए तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल में जाना अच्छा लगे, क्योंकि पहले हमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जब कोई अगर ना ही माने और सुधार ना ही करना चाहे तो फिर अगला एक्शन लेने की बात जो है वो तब करेंगे। हर पार्ट पे सफाई नहीं है, लेडी डॉक्टर के बगैर डिलीवरी हो रही 100-100 बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ दो महीने के बाद मैं अंदर आपके डॉक्टरों को ही बताया इसमें सुधार करो। एक्सरे वाला कह रहा है मैं 50 रुपये लेता हूँ, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं किसके 50 लेता है किसके नहीं लेता। आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ विशाल गोयल। युवा भारत असंध देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का अनेकों अस्पतालों में अनेकों सरकारी विभागों में दौरे तो देखे ही होंगे, लेकिन असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने जब सरकारी अस्पताल असंध के अंदर अपना दौरा किया तो नजारा कुछ अलग ही था। सभी की नजरें हैरान थी। बाहर की पर्ची तो देते विमान में, यहाँ किसी को जरूरत पड़ जाए क्या वो सारा यहाँ हमारी डिस्पेंसरी में उपलब्ध है? बात वो बताओ, स्टाफ की कमी है जी, पूरी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सिर्फ 2-3 डॉक्टर हमारे पास। काम है कि लेडी डॉक्टर है नहीं, 100 डिलीवरी हो रही है, सब प्रेफर होता है। हेलो, पानी तो रहना अच्छा पड़ी जाता है टंकी के टंकी का ये तो पानी तो है। मैंने तो आपको ये नहीं पूछा कि स्टाफ पूरा है यहां, आप क्यों कह रहे हो अच्छा है? नमन जी स्टाफ के बारे में कह रहे जी, जो डिलीवरी नहीं, आपको मैंने जब पूछा ही नहीं, मैंने बेटे जो मैंने पूछा ही नहीं सवाल, उसका जवाब आप बस ये सुनते ले। आप जो बोल रहे हो मैंने आपको पूछा भी स्टाफ गंदा है कि पूरा, फिर आप क्यों कह रहे हो आपको कोई नौकरी मिली है वो पट्टी करने के लिए मिली है या वैसे कोई और मिली है? सर पट्टी डस्टिंग भी करते हो, ड्रेसिंग भी करते हो, नौकरी पक्की है यार, मारी कच्ची है, ठेकेदार ने लगवा रखा है, ठेकेदार तो बिना रिश्वत के लगाता नहीं 50-50 हजार रुपये। ये चद्दर में दाग देखो, स्वच्छ भारत है जल्दी नोट कर ले सर, मैं चिंता करो, रखो आगे रख दो, हाँ बाहर की दवाई ये हॉस्पिटल की है जी, कहाँ से आए? बाहर से, कहीं से भी जाओ बाहर। ये किसका देखो भाई, एमरजेंसी वार्ड है, इलाज ठीक हो रहा है क्या? ठीक हो रहा है घर क्यों नहीं गया? बोलो बोलो डॉक्टर साहब, बोलो हां जी, हम तो देख दवाई बात कर रहे सारी सारे टेस्ट बात तो रे मारे मां कह रहा चार बोल दिया चिकित्सा का 500 का नाम पूछा। आप भी क्या, किस कौन से डॉक्टर ने लिखे थे जी बाहर से, कौन से डॉक्टर?
एक मिनट बच्चा एडमिट है। चल चल, ये जैसे सरकारी हॉस्पिटल है तो क्या यहाँ पे फ्री सेवा है भारत सरकार की तरफ से, आपको मिल रही है कि नहीं सुविधा? हो सारी सुविधाएं लेके आएगा ना, तब बोल रहे थे यहाँ पे नहीं डिलीवरी, डॉक्टर ही नहीं है यहाँ, तो गारे की तो ऑपरेशन होगा यहाँ पे, इनको आन लेके जाऊंगा करनाल, तो फिर यहाँ पे कराया मैंने प्राइवेट में ऑपरेशन कराया, फिर यहाँ आज आप देखोगे बाहर खींचा है पूरे हॉस्पिटल में, पानी नहीं है जी, ये अजीब खराब है, पीने का पानी नहीं। हाँ ये मशीन कितनी पुरानी है? हाँ जी सर, कौन सी बढ़िया मशीन? ये आई सर, ये पहले से काम करते थे, ये काम आई है, ये 20 का है जी, 20 तनख्वाह एक बार की मिलती है कि तीन बार की? नहीं जी, पिछो नहीं, फिर तो सारा दिन काम क्यों करता है? ठेकेदार के माध्यम से लगा हुआ है। हाँ जी, ठेकेदार ने लगा, सेटिंग लग रही ब्रांड की। अभी कैसे हो? अभी ठेकेदार से हो ना? अभी ठेकेदार हो? पक्की नौकरी इतनी नहीं जी, कच्ची है। उधर चल, ये देख, तो बिजिया भी बाढ़ है छोटी सड़क को, ये देखो खाने मिलने वाला, ये बस देखो, ये देखो इसकी ब्रेक, इसकी ब्रेक कितना बढ़िया, वक्त सर कितना हो गया? हाँ जी जी बाबू जी, बच्चे ने कितना लग रहे काम देखा, वो जो उनका डस्टिंग करता है फोर्थ क्लास एम्प्लॉई जो आउट पोस्ट पे है वो पट्टी कर रहा है। सारे बंदे हाजिर हैं? ठीक है। डोपी का इतना बुरा हाल है, जब डोपी घाट का ही इतना बुरा हाल है, लड़का आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा है और उसको छुट्टी तक नहीं मिलती, उसने बोला और समय पे पैसे, बोला जी मैं अकेला आदमी हूँ, देखो आप किसी भी आदमी से 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी लेते हो, एक नर्सिंग के बैठने का कमरा है उसमें तो ठंड को रोकने के लिए एक वो लगा दी एक पलाई, बाकी सब टूटे, किसी को ठंड लगे। और मैं चाहता हूँ भी ये जनता जब यहाँ आए तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल में जाना अच्छा लगे। रात को हॉस्पिटल बंद रहता है डॉक्टर की कमी की वजह से, तो मैं भी मतलब ये इतनी आदमी 17 आदमी है, टॉपिक आठ को आप ठीक कराओ, वो करवा दीजिए, इसका बजट पास कराना मेरी जिम्मेदारी है, एस्टीमेट बनवा के देते हैं उसके लिए, जो आप तो नहीं बनेंगे उसमें तो वैसे, और भी जो जो सुविधा है इसके अंदर ये नए वाले जो जो आपको, देखो आज मेरी पहली विजिट है, अगर आप मेरे को सही गाइड करोगे तो आने वाले टाइम में मैं वहां जाके कुछ कहूँ या बात बात में कुछ जिंदे तो फिर मेरी बात का वजन नहीं रहेगा, वो बात से मेरे को बड़ी सख्त नफरत है। एक तो कोई यहाँ नशे की चीज नहीं मिलनी चाहिए किसी को, एक्सरे वाले के पास गया तो कहता जी अगर आधार कार्ड नहीं हो तो हम 50 रुपये लेते, इसका मतलब जिसका आधार कार्ड नहीं बनया वो नेशनल वो तो NRC में आ गया, करप्शन हो जाए तो 100%। अब मेरे को पता लग गया तो समझ लो फिर
हर एक नशे वाला मेरे को ये चाहिए, इसमें आपकी मदद चाहिए, जहाँ आपकी पहुंच नहीं है सीएमओ से बात मैं करूँ, ड्रग इंस्पेक्टर को संद में मैं भेजूंगा। अच्छा ये तो वो है हीटर सिस्टम ना, हीटर सिस्टम है जी। देखो यहाँ पे तो कमियाँ बहुत हैं, वो पब्लिकली अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है जो इंचार्ज हैं, यहाँ स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की तो बहुत ही कमी है, रात के समय यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं होता। आप ये समझ लो कि रात को असंद का सिविल हॉस्पिटल बंद रहता है, ठीक है, लेकिन मैंने उनको कहा है कि आप 2 महीने में इसमें सुधार करो और जो जो कमी है वो आप बताओ, हम सरकार से बात करेंगे, क्योंकि पहले हमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर जब कोई अगर ना ही माने और सुधार ना ही करना चाहे तो फिर अगला एक्शन लेने की बात जो है वो तब करेंगे। एक दवाइयों की भी शिकायत आ रही थी कि दवाइयाँ भी बाहर, सब कुछ कमियाँ हैं सारी की सारी, कमियों में कोई किसी तरह की ये सोचो भी कमी नहीं है, हर पार्ट पे सफाई नहीं है, लेडी डॉक्टर के बगैर डिलीवरी हो रही 100-100, मतलब आउट ऑफ लिमिट, जहाँ पे डिलीवरी के बाद लेडीज को रखा गया है वहाँ एक तरफ से खुला दरवाज़ा है बिल्कुल ठंड, जबकि डिलीवरी के बाद तो बहुत सारी देर तक गर्मी चाहिए लेडी को, और वहाँ पे कुछ है ही नहीं। जो सामान्य रूप से कमियाँ पाई गई पानी को लेकर, सफाई को लेकर, क्या मतलब भविष्य के अंदर इसके ऊपर काम किया जाएगा, इसको लेकर क्या? नहीं नहीं, भविष्य में मैंने उन्होंने अश्योरेंस दी है कि हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए हैं, अगर सरकार की ऊपर से नीयत ठीक होगी तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से ठीक करवाया जाए। इस प्रकार के दौरे आगे भी रहेंगे जारी लगातार? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं अंदर आपके डॉक्टरों को ही बताया इसमें सुधार करो।